व्हाट्सअप का जिस मानव आज हम फिर से आ गए हैं रेड शेडो को लेके। दोस्तों आज मैं वो काम करने वाला हूँ जो मैंने अपनी 2 दिन पहले वीडियो में बोला था कि भैया मैं शार्ट्स को नहीं पुल करूँगा, पर लोगों की वीडियो देख देख के और क्या कहते हैं मेरे क्लैन में भाई साहब आई थिंक कई सारे लोगों ने शार्ट्स को पुल किया है बस जियोमेंसर लेने के लिए। और मुझे मालूम है जियोमेंसर अच्छा चैंपियन है, ऐसा नहीं है कि वो बेकार चैंपियन है, पर मैं अपने 40 इंशन शार्ट जो है नहीं यूज़ करना चाहता था। पर मुझे लगता है आई थिंक खोलने में भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि 10x और 2x अभी गया है, उसके अंदर कोई लक हमारी काम नहीं करी थी। उससे पहले वाले में भी हमारी कोई लक काम नहीं करी थी, अगर करनी होगी तो यहाँ भी कर जाएगी। मे बी 40 शार्ट्स के अंदर कोई लेजेंडरी मिल जाए, जो कि मिलना तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, और मे बी कोई पसंद का मिल जाए। उम्मीद मेरे को जियोमेंसर से कम, बाकी इसके अलावा कोई और चैंपियन अगर मुझे मिले, क्योंकि 40 शार्ट्स बहुत कम नहीं होते, काफ़ी सारे होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं, और अगर मुझे कोई मिल जाएगा लेजेंडरी तो कौन सा चाहिए, डचेस, प्रिंस काइमार, ट्रंडा के बिना मैं जी लूँगा, पर ट्रंडा अच्छा चैंपियन है। आई थिंक प्रिंस काइमार और डचेस मेरे लिए अभी तक प्राइम जो चैंपियन मुझे चाहिए वो मेरे को काफ़ी ज़्यादा काम आएंगे। तो आइए शुरू करते हैं भैया जियो मेंसर लेने की तैयारी, और होपफुली क्लैन बॉस में थोड़ा सा और मैं बेटर करने लग जाऊं, क्योंकि मेरे पास अनकिलेबल एक भी चैंपियन ही, एक भी मैनिटर मेरे पास नहीं है, ना सर निकलस है और ना वो वॉरकेस्टर जो है हमारा आई थिंक बैनर लॉर्ड्स का है, जो ब्लॉक डैमेज भाई साहब जो लगाते हैं या स्किल में ब्लॉक डैमेज लगाते हैं, मेरे पास ये वाला चैंपियन भी नहीं है। तो होपफुली यहाँ पे हम कुछ लकी हो जाए, हमें कुछ ढंग के शार्ट मिल जाए और ढंग के चैंपियंस मिल जाए। अभी तो पूरा का पूरा जो पिटारा जो है वो खाली ही है हमारा चैंपियंस का, स्पेशली लेजेंडरी का। एपिक्स तो मेरे पास बहुत ही सारे हो गए हैं, तो उस ये खोलते हैं कुछ शार्ट और जगह देखने। तो पहले मैं वो जगह है कि नहीं, 40 शार्ट्स खोलूँगा, और अगर हमें जियो मेंशन मिल गया तो आई थिंक मैं रोक दूंगा वहीं वीडियो में भी। एक में अगर गलती से मिल गया या 10 में मिल गया वो किस्मत की बात है। तो सो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके सो पहला सोच रहा हूँ मैं 10 शार्ट एक साथ ही खोलता हूँ और देखते हैं कितने हमें मिलते हैं। एपिक्स और आई डोंट थिंक इसके अंदर मुझे कोई एपिक मिलेगा। ओह माय गॉड, टू होता है कि फ़ोटो खींच लेता भाई, मेरे क्लैन में काम आएगी, मेरे क्लैन मेट्स जो हैं वो रोएंगे। इसको मैं खींच लेता हूँ या तो ये बेरकॉथ हमें मिला है, ये ऑलरेडी फ्यूजन का चैंपियन था, फ्री चैंपियन हमें मिला था, खास नहीं है। बाकी तो सारे के सारे फूड ही हमें मिले हैं। ओके लेट्स ओपन 10 मोर, मेबी कोई ढंग का चैंपियन दो यार, बहुत देर से कोई ढंग का चैंपियन मिले, उसको बनाने में मज़ा आए। ओके तो सारे के सारे ही हमें मिले हैं एंशंट्स, तो सारे रेयर 20 एंशंट्स के अंदर एक ही एपिक मिला है, वो भी डूब था और वो भी सड़ा सा था। हो अब तो भैया मैं काफ़ी आगे आ गया, मैं कुछ खोलने वाला हूँ सिंगल और फिर शुरू करेंगे। ऑलरेडी आधे रास्ते तक पहुँच चुके हैं हम अपने जियो मैंसर के, तो अब खोलते हैं एक एक करके शार्ट, थोड़ी सी वीडियो भी लंबी हो जाएगी, थोड़ी सी इंटरेस्टिंग भी हो जाएगी। और नहीं चाहिए, हालांकि रेयर का भी डूब आ रहा है, रूफ स्टोन ऑलरेडी हमें मिल चुका है अभी पिछली वाली ओपनिंग में। एंड वैन नहीं, कैटा सारस्त, ओ माय गॉड, एबिसल बहुत बढ़िया चैंपियन है, डेफिनेटली आप 60 भी इसको कर सकते हो, इतना बढ़िया चैंपियन है ये, काफ़ी अच्छी स्किल्स है और हील करता है। बहुत ही कम हीलर्स हैं डीमन स्पॉन के अंदर, इसमें मैंने डेफिनेटली हेल्प किया है डीमन स्पॉन फैक्शन बॉस 21 कंप्लीट करने के लिए, जबकि मेरे पास सारे चैंपियन 60 थे तब भी नहीं हो रहा था। बट रेयर्स की बारिश हो रही है भाई, एपिक कहाँ है, लेजेंडरी का तो सपना ही खत्म हो गया है हमारा। और कितने हो गए, 5 शार्ट्स खोल चुके हैं हम, 25 खोल चुके हैं, 26, वाह हमारा शाडो, हमें लेजेंडरी मिल गया, ओ माय गॉड, व्हाट द हेल, रूल द हंट मास्टर, व्हाट द, एक तो मैं वैसे ही इसे बिल्ड नहीं कर रहा, ऊपर से ये डूप आ गया है भाई साहब, मेरा मर्सी सिस्टम इन्होंने ख़त्म कर दिया यार, व्हाट द हेल मैन, मेरे क्लैन वाले पागल हो जाएंगे यार कि क्या हो रहा है मेरे से।
यार लेजेंडरी मिला है, हजारों लेजेंडरी मेरे पास नहीं है, यही देना था क्या? वो भी डूप। ओह शिट मैन। चलो जब अपडेट आएगा गेम का और डूप सिस्टम का कुछ होगा तो मे भी मेरे काम आएंगे। और ऑलरेडी आप देख सकते हैं मेरे पास रूल हंड मास्टर पड़ा हुआ है, और उसको मैं आई थिंक वॉल्ट के अंदर है, या इसको मैंने बिल्ड भी नहीं किया है, खाली असेंड करके रखा हुआ है। शिट मैन, इसके बिना ही मैंने फैक्शन वॉर्स की 20 स्टेज तक तो पहुंच ही गया हूँ। चलिए भाई खोलते हैं और शांत। अब तो हमारा जो बचा खुचा मर्सी सिस्टम भी बचा होगा वो भी ख़त्म हो गया है मुझे ऐसा लग रहा है। मर्सी सिस्टम तो नहीं पहुंचाऊंगा यार शायद मैं, पर बीच में जो गलती से हमारा जो आधा परसेंट चांस होता है लेजेंडरी मिलने का, वो वाला भी हमारा ख़त्म हो चुका है। आई डोंट थिंक ये मेरी लक और काम करेगी, एक भी एपिक नहीं मिल रहा भाई, क्या हो रहा है यहाँ पे? सो 30 शार्ड्स हमने पुल कर लिए और फाइनली एपिक मिला है, और नाइट सेनेशियल, सेनेशियल ऑलरेडी मेरे पास पड़ा हुआ है, ठीक ठाक चैम्पियन है। या ठीक ठाक ही है, कुछ खास नहीं है, ठीक ठाक है, बेकार ही है, खाली एक एलाय पे लगाता है ना, या तो बेकार चैम्पियन है। आई डोंट थिंक इसको इतनी सारी रेटिंग क्यों दे रखी है लोगों ने। ओह गॉड मैन, कितने शार्ट्स हो गए हमारे? 30 शार्ट्स हमारे हो चुके हैं और हमें अभी तक कुछ नहीं मिला है, और मैं रूल मास्टर हंट मास्टर को कुछ काउंट ही नहीं करता, तो मेरे लिए तो वो कुछ भी नहीं मिला है। ओके तो खोलते हैं फिर से अपने 10 शार्ट्स। अब मैं 10 खोलूँ एक साथ कि एक खोलूँ, मुझे ये समझ नहीं आ रही। अगर मैं एक खोल दूंगा ऑलरेडी तो मैं 10 को नहीं खोल पाऊंगा। ओके चलिए एक ही खोलते हैं, एक करके खोलते हैं, मे भी कुछ ढंग की लक मिल जाए, जो कि 99.9% हमारी अब नहीं काम करने वाली। चैनलर, कोई अच्छा चैंपियन का चैनल दबा दो भाई। हाँ एक और मुझे चाहिए एपिक डूम प्रीस्ट, अगर वो मिल जाए तो कुछ भला हो जाएगा, काफ़ी अच्छा चैंपियन है, उसको डेफिनेटली मैं आते ही 60 कर लूँगा। रेयर्स, रेयर्स 2 एपिक्स मिले हैं। इतनी बुरी हालत तो मेरी बहुत ही बहुत टाइम पहले हुई थी, अभी तक इतनी बुरी हालत मेरी हुई नहीं है। एक लेजेंडरी जो हमें नहीं चाहिए था, और वो भी डूप, 2 एपिक्स मिले हैं वो भी डूप, और दोनों घटिया। कभी कभी एपिक्स अच्छे भी होते हैं जो आपको शायद डुप्लीकेट यूज़ कर सकते हैं, पर ये तो बिल्कुल ही सड़ा सा चैम्पियन है यार। पाँच 35 शार्ट हमारे हो चुके हैं और कुछ भी अभी तक नहीं मिला। माय गॉड व्हाट द हेल। चलो जियो मैंसर तो मिल ही जाएगा 4 शार्ट्स के बाद, और एपिक एपिक एपिक, ओह माय गॉड गिस्कार्ड, ये भी मेरे पास आई थिंक ये तो मेरे पास 3 हो गए हैं शायद, इसको मुझे फूड यूज करना पड़ेगा अब। ओह माय गॉड, ऑसम शीड इक्वल टू चैंपियन, ठीक ठाक चैंपियन है, बेस्ट नहीं कहूंगा, ठीक ठाक है। फिर और क्या मिला भाई? कुछ दे दो ढंग का चैंपियन। टाइगर सोल नहीं चाहिए, इसकी सोल निकाल दूंगा मैं, गुस्सा आ रहा है मेरे को बहुत ज्यादा है सच्ची में। अब बस 2 शार्ड हमारे बचे हैं, इसके बाद हमें सीधा मिलेगा जियो मैंसर, उसके लिए खुश होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अब मुझे सोचा 40th शार्ड में मिलेगा ना, या तो ये हमारा ऑलरेडी एपिक है, इसको तो देखने का फायदा है ही नहीं। ये हमारा आ गया है जियो मेंसर, फाइनली हमें मिल गया है, और होपफुली इसको बिल्ड करके कुछ मेरी जिंदगी और क्लैन बॉस में कुछ बेटर फायदा होगा। ओके तो 4 एपिक्स, 3 डूप, थ्रूप लेजेंडरी वो भी डूप, बट जियो मेंसर हमें मिल गया है, आप यहाँ पे देख ही सकते हैं भाई साहब। ओ माय गॉड यार व्हाट द हेल। चलिए कोई बात नहीं, होती है, कभी कभी मिलते हैं कभी कभी नहीं मिलते चैंपियंस। और दोस्तों अभी के लिए इतना ही, वीडियो पसंद आए जरूर लाइक कीजिएगा, इनको प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।